तारीख है 14 सितंबर 2022, समय हो गया है 12:30 PM। देखिए प्रॉब्लम कैनिबलिज्म को लेके हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है, प्रॉब्लम है जो कैनिबलिज्म जिस वजह से किया जा रहा है, जो तरीका अपनाया गया। जंगलों में कैनिबलिज्म होता है, आदिवासी ट्राइब्स, बहुत से लोग जंगलों में घूमने जाते हैं तो वहाँ ट्राइब्स के साथ मिलके वहाँ कैनिबलाइज हो जाते हैं या कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अलग मामला है। ट्राइब्स के जंगलों में किए जाने वाले रिचुअल्स पर हम ध्यान ही नहीं देते, पर शहरों में एक महिला नवनीत राणा, देखिए नाम तो बहुत बड़े बड़े आए हैं, पर मैं अभी एक नवनीत राणा की बात बता रहा हूँ। जिस प्रकार से नवनीत राणा ने कैनिबलिज्म को अंजाम दिया महाराष्ट्र में अपनी सुंदरता के लिए, वो तो बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। सेंट जोसेफ स्कूल बांद्रा वेस्ट से वो 8 लाख रुपए में एक बच्चा खरीदती थी। नवनीत राणा जो कि विदर्भ की विधायक पता नहीं मंत्री है, और ऐसे उसने 200 के लगभग बच्चे खरीदे अब तक। 8 दिन पहले वो महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन, मुंबई के पुलिस स्टेशन में जाके बड़ा चीख रही थी। पहले RDX के केस में उठाया गया उसको, ठीक है, और 2,500 किलो RDX बरामद हुआ। रिमांड पे तो चली रही थी, पर पुलिस पार्टी के साथ बदतमीजी कर रही, क्योंकि कुछ केसेस बड़े हिडन तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, पर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं तो ऐसा मौका देता ही नहीं। उसके बाद उसने अपने अपने जिस्म से पैदा हुए 8 बच्चों को कैनिबलाइज किया। कैनिबलाइज मतलब उनको मार के खा गई। और सेंट जोसेफ बांद्रा वेस्ट स्कूल के, किंडरगार्टन स्कूल है वो, किंडरगार्टन स्कूल के 200 बच्चे उसने खरीदे 8 लाख रुपए हर बच्चे के हिसाब से। पता नहीं कब से कर रही थी ये सब। तब आज जो है, आज पुलिस पार्टी वाले पिटे हैं। आज मैंने 5,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स तैयार करवाए हैं। इनका काम है, अगर रिमांड में तुमने गलती करी तो पहले तुम पिटोगे, जिसको उठाना है तो उठाना है, तुम्हें डर किस बात का? मैं कह क्या रहा हूं समझ नहीं आ रही तुम्हारे, तो तुम पिटो। मतलब लट डंडा होता ना पाइप PVC का, हड्डी नहीं तोड़नी है, PVC पाइप जो आता है ना क्रिस्टल क्लियर एकदम। पहले आज पुलिस वालों में वो पड़े, आज अभी एक घंटा हो रहा है, 1 घंटे पहले एक एक सब में पड़ा। बेटा ऐसे मारते हैं, मतलब पहली बार में ही पाइप तोड़ देते हैं हम, इतने भरमराता वो मारते हैं, समझ में आई? तब नवनीत राणा को के ऊपर जो है आज हमने 57 पाइप तोड़ दिए, नंबर है हमारे, 57 से कम नहीं मारते हम एक बार में, जहां मर्जी मार, इसके कपड़े उतार इसके, और कपड़े पहनने नहीं देना इसको। कैनिबलिज्म में जिनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, मान लो कोई जंगल में चला गया किसी आदिवासी ट्राइब में, वहां जाके कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व हुआ, हम नहीं बोलते कुछ, पर समाज में आके इस तरह से कैनिबलिज्म में अगर इन्वॉल्व है तो मरने तो देंगे नहीं हम तुझे, और जिंदा रहने लायक छोड़ेंगे नहीं, समझ भाई? तो इसलिए जो है नवनीत राणा पे जो है आज हमने रिमांड रूम में निकाल लिया उसको, आ जाओ तू।
पहले वो पिटे जो पुलिस वाले उसके उसके सुंदरता पे जो है मंत्रमुग्ध हो रखे थे, सब में पड़े आज, दो 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 पाइप सब में पड़े, सब में, ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ तक कि इंटरपोल से लेकर वेस्ट बंगाल रैपिड एक्शन बटालियन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पाकिस्तान, सोमालिया पुलिस, नेपाल पुलिस, सब में पड़े दो दो पाइप। इन्वेस्टिगेशन क्या है? तुम अरेस्ट पार्टी में हो, रिमांड पे उठाना है तुमने, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, बाकी जो तुम्हारे को सवाल दिए गए हैं वो पूछो, ये तो ऐसे मारते हैं फिर हम। ये 5000 लोग हर जगह अरेस्ट पार्टी को चेक करेंगे, अगर अरेस्ट में कोताही बरती गई तो चाहे तुम एनएसजी में हो, चाहे सीबीआई में, चाहे एफबीआई में, चाहे यूएस आर्मी में, चाहे पाकिस्तानी आर्मी में, चाहे इंडियन आर्मी में, बेटा पाइप तोड़ देंगे तुम पे। अरेस्ट पार्टी के साथ 2 गनमैन रहे या 10 गनमैन रहे, हमारी टीम के पास गनमैन होंगे, अगर किसी ने भी उसमें किसी ने भी अगर अपनी ज्यादा चटकपंथी दिखाई तो बेटा ऐसा उल्टा करके मारेंगे, ठीक है, अगर किसी ने मेरे से बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश करी तो। अबे ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है, वो क्लेम कर रही है नवनीत राणा उसने ऐसा किया है, सेकेंड वॉइस ऑडियो क्लेम की होती है, वो अपना क्राइम क्लेम करके वो अपने आप को सबसे ऊपर बता रही है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे मारते हम। फिर दूसरी लड़की उठाई, दूसरी औरत उठाई हमने आज, नहीं रिमांड में, अरेस्ट तो बहुत चल रही है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सगी बहन, इसकी एक बहन और है, वो यहीं घूम रही है, इसी कॉलोनी में है कहीं पे, हाँ अभी आई है रहने। और कालेश्वर राणा के मकान में, सुन लो ए, वीडियो देख रहे हो सब वहां पे बैठे, कालेश्वर राणा के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बेटी आके रह रही है, उठाओ से भी कैनिबलिस्ट है। हाँ मुझे उससे मतलब नहीं है, उसको उठाया हमने, नवनीत राणा के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पे पुलिस स्टेशन के बाहर महाराष्ट्र में, सरेआम मारा उसे रोड पे, सरेआम तोड़ दिया पाइप उस पर, 57 पाइप तोड़ दिया, ऐसी की तैसी तेरी, और जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसे भी मार, ठीक है। अगर किसी पुलिस वाले ने भी जरा सी भी ढिलाई बरती अरेस्ट में और रिमांड में, और किसी भी जज ने, आईसीजे हूं मैं भारत में, ऑर्डर देने में देरी करी तो कुर्सी से उतार के ना बेटा पाइप तोड़ देंगे तेरे पे, आईसीजे हूं। ये जो 5000 बंदे मैंने सेलेक्ट करने के लिए कहा है, ये सब के सब आईसीजे के अंडर काम कर रहे हैं, आईसीजे 645 इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, गोली नहीं चलानी, वो मैं चलाऊंगा सिर्फ, किसको मारना नहीं मारना, हाँ एहतियात के तौर पे मारोगे तो कमर से नीचे गोली चलेगी, समझ में आई, जिंदा रखना है। उसके बाद हमने तीसरी औरत उठाई है बांग्लादेश में, वो थी पिंकी बिस्ट मर्डर केस में किंग पिन, आराम से अपने आप को 30 मार खां बन रही थी, इसलिए बांग्लादेश पुलिस वाले भी पिटे आज, और रैपिड एक्शन बटालियन वाले भी पिटे हैं, समझ में आई, कपड़े उतार के उसके और तबीयत से लठ तोड़ दी उस पर। 250 बच्चे किसी के भी किडनैप करके काट के खा जाए कोई, तो यार ऐसी क्या कमी आ गई यार भारत में, क्या दुकानों में राशन नहीं मिल रहा? दुकानें तो भरी पड़ी है यार राशन से, दूध की सप्लाई मदर डेयरी ने कभी कम नहीं रखी, दाम भी कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं यार, तो 10 रुपए का एवरीडे का पाउच ले यार, दिन निकल जाता है, 10 रुपए का छोटा पैकेट भी आ रहा है दूध का बच्चों को पिलाने के लिए, है
56 दुनिया 52 रुपए लीटर है दूध, कौन से बहुत महंगा हो गया यार, इतनी भी महंगाई नहीं है, फिर को बच्चे काट के खा रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसी क्या कमी आ गई मेरे देश में, ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई, क्या बात हो गई भाई। बच्चों ने मेरे देश में जन्म लिया ना, मैं क्या करूं, चाहे वो रेप से जन्म ले चाहे कैसे भी ले, दिक्कत क्या है तुम्हें, क्यों मारेगे, क्यों मारोगे तुम, क्यों नहीं, इतना है मेरे देश में, इतनी धरती की कमी थोड़ी पड़ गई है कि बच्चे रह ना पाए, स्कूलों के बच्चे क्यों काट के खा रहे हो, क्या बात हो गई। हाँ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना असली रूप अपना, मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तुम्हें अभी मेरे बारे में पता ही क्या है, मैं तो अभी आया SPG ड्यूटी पे गया था बिहार, वो क्या अभी गया, नीतीश कुमार की सिक्योरिटी चेंज कराई ना हमने, जिंदा रखना है इन सबको, समझ में आई। नवनीत राणा कल तेरा सेकंड राउंड है, 57 लट फिर पड़ेंगे, ऐसे ही पड़ने वाले हैं तेरे पाइप, समझ में आ गई। और सुन, कीड़े नहीं पड़ने चाहिए इनमें, टिटनस का इंजेक्शन दे दियो एक, जरा सबसे पहले टिटनस के इंजेक्शन लगा लगा के मार इनको, सबके लगा रहे टिटनस के इंजेक्शन, और हाँ एंटी पैरासाइट दे, चल शरीर के सारे पैरासाइट्स मार, एंटी पैरासाइट दे, जेंटल ले आ एक जेंटल की टैबलेट दे, हाँ बोल चूस बैठ के इसको, नहीं चूस नहीं पड़ती है, निगलनी है, निगलते नहीं है, एक टैबलेट बहुत है, सारे पैरासाइट्स मार देगी शरीर में, मैगेट्स वैगेट सब मार देती है। हम बताएंगे ना, क्या दिक्कत क्या हुई, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ भाई। किंडरगार्डन स्कूल में बच्चे खेलने जा रहे हैं, जी प्ले स्कूल कौन सा था, किड्जी में, क्या दिक्कत क्या हो गई तुम्हें, दिक्कत क्या हो गई, ना इतनी कोई कमी नहीं है मेरे देश में पैसे की, अच्छा जी तो क्या हुआ, हमारे देश में तो चल रहा है ना नोट, वो तो दुकानों ने का सामान देने से मना कर दिया, फिर क्यों काट के खा रहे हो, अरे उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो इतनी बेरहमी से काट के खा गए, तोड़ पाइप तबीयत से। मुझे SPG ड्यूटी पे जाने के लिए ना किसी नशे की जरूरत नहीं होती, या सोना नहीं पड़ता मुझे, देख ले फिर वही बात है, बहुत बहसबाजी हो गई क्यों मैडम, पिंकी बिस्ट, ये पिंकी की बड़ी बहन है, आती ये तीन ही, ये ज्यादा बड़ी किंग पिन बन रही थी, पिंकी की जो बड़ी बहन है,
जब मैंने तुझे क्या दिया, बहन की लोड़ी माँ चुदाने जाए। पिंकी यार मुझे क्या लेना देना यार है? जबरदस्ती कहानियां बना रही है। जीव आ रहा था यार, बांग्लादेश में जाके बैठ गई। और बात सुनो, बांग्लादेश पुलिस बॉर्डर से घुसेंगे मारते हुए पीटते हुए। अरेस्ट चाहिए लड़की हमारे को, इसकी अरेस्ट लो, है हैंड ओवर लो बंगाल पुलिस। चल हैंड ओवर लेके आ इसकी, इसको हैंड ओवर ले, ममता बनर्जी को लेके आओ, बाहर निकाल, दिखा इसको भी क्रिस्टल क्लियर किसे कहते हैं, वरना मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हें नियम नहीं पता मेरा। झापड़ कैसे मारते हैं नहीं पता तुम्हें। अच्छा तो क्या हो गया, भीख मांग के भी खा लेंगे तो बच्चे नहीं है तो क्या हो गया? तो तुम क्यों खा रहे हो उन्हें काट के? दिक्कत कहाँ है तुम्हें? भारत में दानी महात्माओं की कमी नहीं है क्या? दिक्कत क्या हो गई? पैसा हमारा लग रहा है ना, कब मार के कैसे खा जाएगा तुम? तू होती कौन है? यही थी बहन की लोड़ी किंग पिन, पिंकी बिस्ट की बड़ी बहन, और एक ये मोदी की बड़ी बहन, और एक नवनीत राणा, ये तीन थी भारत में। एक जो पटना में जो उठाई है ना औरत, जो फ्लैट में भी जो इंटरपोल की आ रही होगी फाइल, हाँ जो वो गोद में चढ़ चढ़ के नाच रही है उसके साथ, तो जो फ्लैट में जो था बंदा, इनके लिए तो, इनके लिए तोड़ दे हाथ पैर भी, बांस का डंडा यूज कर इनके लिए तो। हाँ इसका अबॉर्शन करा के इसकी बच्चेदानी निकाल, उसमें है बंदे, इन सबकी बच्चेदानी निकाल, बहन की लौड़ियों की क्लियर कर अंदर से, बहन की लोड़ी अंदर बच्चे रख रख के बैठी हुई है आराम जा दिया। जला दिया कर, हाँ डब्बे उसे ही तो कहते हैं। और यार इस कॉलोनी में कुछ एक औरतें घूम रही हैं प्रेग्नेंट, कैरी पिप्पा लेके घूम रही है, एक रेनू के घर में आई है इसकी बहन, उसे बुलाओ, ओए जच्चा बच्चा विभाग, आंगनवाड़ी वाली मैडम कहाँ गई? मैडम जी ये रेनू का घर में आई है एक औरत, वो कैरी पिप्पा लेके घूम रही है, पहले भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे काट के खाया इन्होंने, और दो एक औरतें और घूम रही है, वो भी कैरी पिप्पा है ये, हाँ पैदा करेंगे, कैनिबलाइज करेंगे उन्हें। आपके पास डाटा है? हाँ पुलिस को दो, लेके जाओ इन सबको। मैं तो पता नहीं क्या बताऊँ। हाँ ये आंगनवाड़ी वाली मैडम आशा मैडम जो है, नहीं अंजू झा, अंजू झा नाम है आपका ना, हाँ अंजू झा मैडम की ड्यूटी है यहाँ पे। हाँ कौन धमकी दे रहा था इन्हें? मैं हितेश बात कर रहा हूँ। जी बात नहीं है, आंगनवाड़ी में ड्यूटी है उनकी। निकालो डाटा, आंगनवाड़ी से कितने बच्चे गायब हुए?
अबे यार उल्टी वीडी चला दी, फिल्टर के साइड से चला दी मैंने। मैं सुन रहा हूँ बैठ के और क्या। पता कर पता कर। अंजू जा। वो मैडम कह तो रही थी मेरे को कह रही थी, सुपरवाइज कह तो रही थी मेरे साथ ड्यूटी। मैंने बोला था जा रही थी, मैंने कहा मेरे लायक कोई सेवा तो बता देना कभी भी। सिविल डिफेंस की ड्यूटी यही चल रही है मेरी, उस बाकी सारे बेल्ट नंबर ड्यूटी नहीं पता ही है। नहीं उनको पता है, बच्चे वहाँ गए हैं भागलपुर। आंगनवाड़ी में है। वो वहां उधर राजपुर में ड्यूटी कर रही थी ना, तब कोई कह रहा था उनको इसको इसको हम बताएंगे। मैंने कहा यार ये फिर पिटेंगे ये। नहीं अगर यहाँ कोई यार आसपास सीआरपीएफ वाला ड्यूटी पे हो या हाथ किसी का चोट वोट आ रखी हो मेरे से मिल ले यार, आकर क्या हो गया मैं ठीक कर दूंगा। हाँ बेधड़क बता दे यार क्या भूत सवार हुआ है इसके भाई साहब। डीपीएस स्कूल का जो केस सामने आया, मदर इंटरनेशनल लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल का तो केस इतना भयानक निकला। बच्चे भाई साहब बेसमेंट में होस्टेज बना के रखे हुए, मदर इंटरनेशनल स्कूल का जो केस निकल के आया, डीपीएस का निकल के आया, एनएसजी के कुछ ऑफिसर्स अरेस्ट हुए। डीपीएस स्कूल की लड़कियां, वहां उसका प्रिंसिपल विनय कुमार हर महीने दो लड़कियां जो है एनएसजी में भेजता था ट्रेनिंग के नाम पे, वहां उनका रेप करते थे ये लोग। सोचने वाली बात है। तब 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 जाकर के कूटा सबको तबीयत से, तभी तो एनएसजी वाले पिटे, तभी तो यूएस आर्मी आई है, डेल्टा फोर्स वाले आए। नहीं नहीं एनएसजी का एक ग्रुप था बहुत पहले से काम कर रहा था। सही है ना दाढ़ी। इनको इनको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। तू उसको क्या सेलिब्रिटी बना के घुमा रहा है? हमारा पुलिस क्लब से बात कर रहा हूँ मैं, क्या सेलिब्रिटी बना के घुमा रहा क्या उसे? पागल हो गया क्या? रूटी नहीं समझ में आती तुम्हें? मार तो मार, अब नहीं जिंदा रखना है। कल इन तीनों का सेकंड राउंड है। वेस्ट बंगाल पुलिस को बोल दे बांग्लादेश में जाओ पीटते बजाओ, जो बीच में आए ना उसी में लट तोड़ दे, हट सामने से। हाँ वो पिंकी बिस्ट की बड़ी बहन है। हाँ वो भी थी उस समय। एक है टीना, टीना उठाई है ना अभी। हाँ टीना ढूंढ कहाँ है ये? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? अबे कौन पिंकी बिस्ट यार, मेरा क्या लेना देना उससे? होगा कभी कोई मामला? मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। मैं तो एक बार उसको इतनी गालियां दी थी फोन पे, मैं बहन की लोड़ी तेरी माँ की चू, तू पागल है क्या? खाम का फोन करती रहती है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? खाम कही मुझे उसी माँ के भोसड़े में आग लगा दी थी उस दिन मैंने दबा के, उसकी माँ को भी गालियां पड़ी थी माँ की चू उसकी।
चूतिया समझ रही है मेरे को। हाँ इंडिया में कैनिबलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, पिंकी विस्ट की बड़ी बहन नवनीत राणा, पिंकी विस्ट की बड़ी बहन लाला 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 नीता नितेश, अबे अशोक राय का लड़का। अरे मेरी बड़ी बहन नहीं है सुजाता, सुजाता का जो जेठ है उसका लड़का, भोसड़ी का पता कौन है वो? नहीं मालूम, अफ्रीकी है वो, उसकी बहन, उसकी बहन की वीडियो है मेरे पास, टेररिस्ट है वो। बात हो रही थी, मैंने कहा मैंने क्या करना है जान के, कह रही हमने ही मारा उसे, मैं मारा होगा, मैं कहा मेरे को क्या मतलब तुम्हारे ग्रुप से, अफ्रीकन ग्रुप से हमें क्या मतलब, वो कैनिबलिस्ट है या नहीं है, हमें हमें अपने देश से मतलब है नहीं है, क्यों हम अपने देश से मतलब रखेंगे ना। हाँ ये जरूर है, अगर कोई क्या कहते हैं कहीं और पाया गया तो वहाँ से उठा लेंगे। कालू का बड़ा भाई, कालू का एक भाई मिला उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो है। हाँ अरुषि, अरुषि अरुषि मर्डर केस में इन्वॉल्व है, कालू भी इन्वॉल्व है कह रहे। हाकिम के साथ नहीं था, उत्तम नगर वाला हाकिम, पता कहाँ का रहने वाला था? नहीं पता तुम्हें? इस्लामाबाद। हाँ ये हाकिम, फिर वही बात है, जहां तक कह रहा हूं वहां तक इन्वेस्टिगेशन लेना सुरेश का बड़ा लड़का सुभाष यार हितेश कौन है? खाम का है खाम का नहीं हूं यार, पुलिस वाला हूं यार। ना ना मुकेश को जब मर्जी चाहिए तब घर ले ले यार, मुझे क्या दिक्कत है, मैंने नहीं रखा कभी मन में ऐसा। सुरेश ने बनाया कर उसके पैसे का ले ले भाई कर, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो क्वार्टर अलॉट हुआ नहीं, मैं तो चलता बनूंगा नहीं भी होगा कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंदिर, मंदिरों में मंदिर, एक इधर ही एक मंदिर है, उसने मेरे को बोला यार मंडल कभी दिक्कत हो तो यही आ जाइए रहने। मैंने कहा भैया जय श्री राम, मैंने कहा ये करी यार तूने सल्यूट वाली बात राजपुर में मंदिर है वो, पंडित और पंडितानी खाना वाना खा रहे होंगे बैठ के, मैं ड्यूटी ड्यूटी पे था, कह रहा यहाँ ऊपर यहाँ कमरा यहीं आकर जब जब चाहो तब सो जाया कर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ठीक है कालू का भाई यार क्या बंदा है यार कालू की बड़ी बहन देखी है? पता नहीं, ध्यान नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेशन लगाई, मैं इतना कहाँ ध्यान रहता है यार, दिन भर इन्वेस्टिगेशन लगती रहती है। नहीं फोटो सेव करके रखी थी मैंने, पता नहीं डिलीट कर दी क्या कर दी, नहीं नहीं अपलोडेड है, डिलीट करी थी, ट्विटर पर अपलोड है कालू की बहन की मॉडल है कोई, हाँ कोई मॉडल है, कैनिबलिज्म में फंस गई है तो मैं क्या करूँ उसमें। हाँ लाला की बहन, क्या परिवार बनाया हुआ। दीपक की बहन पता कौन है? दीपक लाला का जो भाई था बड़ा वाला, नहीं पता, अभी उसी की तो जमीन खरीदी मैंने। नहीं नहीं उसकी कह रही उसकी माँ है वो राजस्थान में, मैंने खरीदी 700 एकड़ जमीन खरीदी इनकी। नहीं नहीं पहले नहीं बताया उसने, मैं जब जमीन का सौदा वौदा हो गया ना राजस्थान में खरीदी, जैसलमेर के पास है 700 एकड़। अरे ये मेरी बड़ी बहन नहीं सुजाता, सुजाता के जेठ, जेठ का जो लड़का बड़ा दीपक, हाँ उसकी माँ है वो।
अबे मेरे मेरे बच्चों के पीछे पड़े तो 57 के बजाय बेटा 108 मंत्र पढ़ के मारूंगा। हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बर्थ सर्टिफिकेट लिया हुआ है, बैठ के लौड़ो मारूंगा, बहुत बता रहा हूँ, सरकारी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, और क्या। ये राजस्थान में कल कल और आसस के तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, पता है क्या। प्रीति का घर देखा कल। इसकी माँ राजस्थान में एक जगह है, पर उस मामले में आई डोंट बिलीव, क्योंकि उसमें एक एक मामला आ रहा है, पर ये जरूर है। नहीं नहीं नेहरू राय की बीबी है वो असली, इस वजह से वो कह रही थी कि प्रीति उसकी बेटी है। हाँ, नेहरू राय का घर देखा हमने, कंजरों का मोहल्ला है ना राजस्थान के में, कंजरों का जो मोहल्ला है, कल गई तो है रेड, मार दी एक बंदे को तो गोली मारी तो सही हमने। हाँ, वो वही तो पीछे लगा हुआ था, प्रीति को उठाने के चक्कर में था ना, प्रीति और बच्चों को। अरे नेहरू राय की बीवी यार, जूदा है ना, उसकी बहन थी ना वो, नेहरू राय की बहन है, बड़ी बड़ी या छोटी बहन है ना, उसी से शादी करी थी नेहरू राय ने, शर्त लगा ले। हाँ कल वही तो रेड हुई है रात को, भयंकर रेड हुई है, बंदों ने खाली कर दी मैगजीन ही वहां के लौड़े में, एक में तो बैठ के चूत तेरी, मतलब वायरलेस कहते बैठ के लट बाहर सुनी रे, मार दी सब मार दिए। नहीं नहीं उस बंदे, वो दूसरा बंदा था एक, वो जो है ना, वो प्रीति और बच्चों को किडनैप करने का, नेहरू राय की, नेहरू राय ने अपनी बहन से शादी करी थी, जूदा है ना ये लोग, मुसलमान ना, जूदा और मुसलमान एक होते हैं, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच का लिंक जूदा, मतलब जूदा कह ले, मुसलमान कह ले, ईसाई कह ले, मुसलमान था नेहरू राय, उसने अपनी बहन से शादी करी थी, उसकी बहन है वो, नहीं नहीं उसको नहीं मारा हमने ना, उसके घर परिवार को कुछ नहीं कहा, ना 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 ना, बाकी वो उसको मारा जो ये कह रहा था ना, वो प्रीति को उठाने की कह रहा था, हाँ उसे मार दिया, उसके उसकी बीबी बच्चे भाई बहन सबको मार दिया, सबको रात को मार दिया, तो मार दिया, मैगजीन ही खाली कर दी बहन के लौड़ों पे। राजस्थान पुलिस ने काफी इधर ही बता रहे, मैंने प्रीति को फोटो फोटो भेज के पूछा, मैंने कहा तू पहचानती है इसे, कह रही कौन है, मैंने कहा छोड़ना, कह नेहरू राय का घर है। हाँ यार हद है, मैं नहीं जानता क्या प्रीति प्रीति का घर कहाँ पे, मुझे सब पता है प्रीति के बारे में, मैं सब जानता हूँ। मेरी बीवी है, मुझे नहीं पता क्या उसके बारे में, नेहरू राय उसी के दम पे तो कूद रहा था, वही उनका गांव है ना कंजरों का, नहीं कंजर और भील, भील पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं ये तो भील परिवार की है मेरे ख्याल से, ये भील परिवार की है प्रीति जो है, ये भील की है, अब भील तो बहुत बड़े होते हैं यार, महादेव का अवतार भीलों में ही तो हुआ था, महादेव का सीधा अवतार अर्जुन से, जिस अर्जुन नहीं लड़ा था जिससे, भील की लड़की है ये, शर्त लगा ले, ये भील की, इसकी शक्ल बताती है, भील की लड़की है ये, चेहरा बताता है इसका, ये है ना ये, इससे पता लग जाता है,
जिस लड़की का ये निकला होगा ना ये, और ये पतला होगा, भील की है वो, महादेव महादेव के अवतार के तो वंशज है ये भील। भील जनजाति नहीं होती, हम लोग धानु के धनुर्धर है हम लोग। अरे यार वो नहीं था एक, क्या कहते हैं, सुअर में तीर नहीं मारा था तो महादेव, अर्जुन भी शिकार पे गया, महादेव भी थे, तो महादेव भील राजा जो थे उनकी बेटी थी, उन्होंने शादी करानी थी। अर्जुन जो है, अर्जुन जंगल में घूम रहा शिकार के लिए, तो उसको जंगल में जो है ना सुअर दिखाई दिया, तो अर्जुन ने जो है तीर चला दिया, उधर से भील राजा ने भी चला दिया, तो सुअर का जो तीर लगा ना तो अर्जुन भी पहुंच गया वहां पे और भील राजा भी पहुंच गए, वो महादेव का अवतार थे वो। तो उन्होंने जो है ना सुअर पे जो है, क्या कहते हैं, जो तीर लगा हुआ था ना सुअर के तीर पे जो है, उस ऐसे पैर रख के खड़े हो गए भील राजा। तो अर्जुन ने कहा, कहते जी ये मेरा भोजन है। कह रहे भाई तेरा कैसे, हमारा भोजन है, मेरा भोजन है। तो भील राजा कहते कि मेरे तीर से मरा है, और अर्जुन कहता जी तीर मैंने चलाया। तो इसी बात पर दोनों में गहमा गहमी हो गई। तो भी अब वो भी गांडीव धारी था, अब वो भील राजा थे, उन्होंने अपना परिचय दिया। अब अर्जुन ने अपना परिचय कहा, अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने कहा जी परिचय तो जो है, महारथियों का परिचय जो होता है उनकी शक्ति होती है, पहले शक्ति देख लीजिए परिचय उसके बाद दे देंगे आपको। कह रहे ठीक है। बस दोनों जो है थोड़ी दूरी पे गए, बस महादेव ने संधान किया, जैसे ही उन्होंने साधारण बाण चलाया, अर्जुन ने छुटते ही पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। भील राजा वहीं सर पकड़ के बैठ गए। भील की लड़की है, नहीं ना, इसका बाप जिंदा है अभी। नहीं, अच्छे पैसे वाले घर से, नहीं ऐसा घर परिवार सब है। जंगल बुक में तुम पहचान नहीं पाए, वो लड़का नहीं था, लड़की थी वो। मोगली लड़के का नाम नहीं था, भोसड़ी वाले लड़की का नाम था। चड्डी लड़का पहनता है, जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। मैं क्या करूं। नहीं नहीं नेहरू राय के उसके उसको 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 कुछ उसको क्यों बोलेंगे। नहीं नहीं वो जो कह रहा था ना प्रीति का मान, वो इस वजह से कह रही थी कि प्रीति उसकी बेटी है, मैं कुछ नहीं बोला। एक ट्राइब्स है, हम नहीं बोलते ना इस मामले में। वो दूसरा बंदा जो है गलत वॉइस दे रहा था। हाँ वो कह रहा था प्रीति को उठवाएगा, कह रहा देख लेंगे कितना बड़ा बदमाश है। यार बदमाशी तो हमारी चलेगी यार, क्या बात कर रहा है। फिर अर्जुन की शादी जो है फिर भील राजा की लड़की से हुई थी। अजीब है यार, मुझे क्या लेना देना है। उसी का लड़का तो था जो पकड़ा आर्मी वालों ने, जिसको मारा हमने, उसी के घर परिवार का तो था। वो धमकी देता था उसको, नेहरू राय के परिवार को, उसकी बड़ी बहन है, वो धमकी देता था। गोपाल मंडल नहीं था, गोपाल मंडल के घर परिवार का था वो, जिसको मारा हमने। गोपाल मंडल और नेहरू राय उस वही रहते थे, कंजरों के उसमें थे।
हाँ, सुबह से हो गई है, आठवीं आठ इन्वेस्टिगेशन हुई है पूरी करी। एक तो भागलपुर उल्टा पुल जो गिराया था, डायनामाइट से ब्लास्ट करके गिराया ना, उसमें अरेस्ट हुई है। फिर जो सस्पेंशन ब्रिज गिराया उसमें अरेस्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन पूरी करके सब A to Z। हाँ, मतलब कॉन्स्पिरेटर से लेके फाइनेंसर वाइनेंसर सब पकड़ लिया सब। इसको बोल यार, वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं, नॉर्थ ईस्ट पुलिस को बोल, बोले भूटान पुलिस को कॉल करे, ओए नॉर्थ ईस्ट वालों को बोल, कौन सा पड़ेगा नजदीक भूटान के यार, बड़ा मैप लाना पड़ेगा यार, इंडिया का जाना पड़ेगा मेरे को। मिल जाएगा, ये प्रिंट कराऊं, इंडिया का बड़ा बड़ा मैप चाहिए यार मेरे को कम से कम, यही लगाऊंगा और क्या करूंगा। बोल जरा नॉर्थ ईस्ट पुलिस को, भूटान पुलिस को फोन कर, बोले एक मैडम है अरेस्ट चाहिए इनकी, हमने मारेंगे बहुत। हाँ, उसी मामले में पटना ब्लास्ट हुआ था ना, ये हुंकार रैली बीजेपी की, वो सस्पेंशन ब्रिज और उल्टा पुल मामले में। और एक इसके लिए बोल यार, धर्मेंद्र को उठाओ जो मेरा किरायेदार था पहले। हाँ, तीन डीरेलमेंट में इन्वॉल्व है। अभी उस दिन देख तो रहा था, अपनी लड़की के साथ जा रहा था यहाँ से बाइक पे कल परसों, कौन है बीट अफसर यहाँ पे, उसको बोल सीआरपीएफ बुला ले। यशपाल से बात कर, अरे कहाँ रहता है ये, जय माता स्टोर वाले को पता होगा, उससे पूछ। हाँ, भूटान पुलिस को नहीं, अब पीएमओ, राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मेरे पास है, अब तीनों सब खाली कराओ। पटना ब्लास्ट में हुंकार रैली में कैनिबलिज्म ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट के बाद जो डेड बॉडीज बची ना उठा के ले गए, खा गए यार ये तो बीजेपी वाले, मोदी ने कराया था। ले वो खुद कह रहे हैं बंदे, उसके कह रहे हैं इसने किया है जी। कूटता चलता भी इससे। और हाँ, तो नेपाल पुलिस के यहाँ जो 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 यहाँ पे ड्यूटी पे आए ना, इनके भी पड़े एक एक लट सबके। क्या ड्यूटी सुनाई नहीं देती क्या, जो सुनाई देती है कर, रिवॉल्वर में गोली किसने रखी है, नहीं अरेस्ट कर पा रहा है, खोपड़ी उड़ा दे, जय माँ काली भारत खाली, चलो निकल लो यहाँ से, हम नहीं रुकते भैया। और यार ये पटना ब्लास्ट में जो लड़की औरत है ना, ये पटना में जो है जो गोद में चढ़ चढ़ के नाच रही है, हाँ ये रिश्वत की पेशकश कर रही थी मेरे को ये भी, हाँ ये जिन जिन में ने, सब में नहीं है यार, एक इसने करी, एक नवनीत राणा ने करी, और हाथ के सुनते रहो,
तो क्या हो गया यार, वर्दी फट गई तो सिल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान मत दिया कर, कटी फटी वर्दी ज्यादा अच्छी लगती है ब्रो, देख ले भाई गूटी चलती है। मैं रहूं तो मैं तो बीड़ी से खुद चला लूंगा, जैसे गोली का निशान है। बोला तू नहीं मारा, नहीं अंदर बुलेट प्रूफ थी। मेरे से कह रहे हाथ पर निशान कैसे है, ये देख रहे हो। मैं कुछ नहीं यार, एक बार आतंकवादियों के बीच में फंस गया था, मां के लोड़ों ने कील गाड़ दी थी हाथ में। आतंकवादी हाथ जोड़ के पड़ गए, कह रहा भाई तेज तेरा हाथ जोड़ रहे, क्यों पिटवा दिया तूने। कह रहा हमारे सीनियर्स ने इतना मारा, मैं क्यों क्या हो गया, मेरे नाम पता जमातुल दावा का ले दिया। इतना मारा ना उनको, कह रहा मंडल के हाथ कैसे लगाया, कह रहा सर हमने नहीं किया सर। कह रहा फिर उसके हाथ में निशान कैसे, उसने नाम कैसे लिया। बाद में पता क्या करे सर, उसने खुद अपने आप बीड़ी लगा ली थी। उल्टे हाथ में बीड़ी लगा के ISIS वालों का नाम ले दिया। सब पिटे करे हाथ जोड़ ले यार इसके। और क्या, यही होता तरीका। मैं कहा लेने पंगे मेरे से, मैं कहा ले ले क्या हो गया। ना ना वर्दी में क्या, कटी पटी है तो और अच्छा रहता, पुरानी वर्दी जितनी पुरानी हो सिर ले क्या हो गया, उसी कलर का पैच लगा दे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरानी सब वर्दी जितनी पुरानी हो उतना अच्छा रहता, SPG बैठी होती है ना उस पर, वैसे सरिंक वरिंक हो जाए तो एक अलग बात है। नहीं कहाँ यार, तू 4,000 रुपए की वर्दी फिर कहाँ सिलवा रहा है दोबारा। अच्छा हाँ तो और कहीं टांके लगवा ले बेटा, वर्दी में टांका लग गया ना तो समझ ले प्रमोशन है। हाँ और इतना मारा ना जमात वालों को, कह रहा मंडल मिला था तुमने किया क्या। कह रहा जी वो तो कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया, घर से बाहर नहीं जाता, मार्केट तक सामान ले था, हमने कब उठाया, नहीं पक्का उठाया होगा तुमने। कह रहा जमात वाला कौन, मैं ये तो था भुवनेश्वर राणा। मैं कहा SPG वीडियो देखनी है, मैं कहा देख लो, मैं कहा जी हाथ ऐसे मोड़ के दीवार में ना फट्टे में कील समेत गाड़ दिया था। मैं कह रहा भुवनेश्वर भाई बगियो मत। हद हो गई यार, अगर SPG में तुम मेरे नाम का पुतला बना के, मैं बताता हूँ होता क्या है, ये मेरे नाम का पुतला बना लेंगे, उसके बाद पुतले में कील गाड़ेंगे तो असर तो आता है ना शरीर पे। क्या अच्छा हो सकता है, पक्का बता तुझे, उठा ले फिर। कह रहे उल्टे हाथ पे ISIS वाले कौन था, कील गाड़ी को काले सोराना था।
साथ में रिंकू इन्वॉल्व था। चल रहे थे छुट्टी, एस पी जी वाले आए ना, मैं देख लेता हूँ एस पी जी वाले आते हैं, गए होंगे चेक करेंगे, हल्का सा दिखाई देता आते। एन एस जी वाले आएंगे तो सिर्फ जूते दिखाई देते हैं, हल्के से ब्लैक कलर। अगर जमीन पे फ्लोर, अगर फ्लोर पे अगर ध्यान से कहीं और देख रहे हो ना और ब्लैक कलर का कुछ जाता हुआ दिखाई दे, समझ लो एन एस जी वाले, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट्स वाले। नहीं, ब्लैक कैट्स नहीं, एन एस जी बोलते होंगे कुछ। कल एक बंदा पकड़ा तो सही जो एन एस जी का ग्रुप बना रहा था, कोई पास्टर है उसे पकड़ा तो सही, हम मैरून कलर का जो पहना था लबादा उसने, उसे वही तो एन एस जी ग्रुप है सप्लाई कर रहे थे ये लड़कियां, मानेसर वाले वो थोड़ी, जो मानेसर वाले पिटेंगे उन्हें, पिटने का तो उनका मामला तो है, वो जानते हैं क्यों। अच्छा चल ठीक है।